आपका सुषमा की रसोई में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए फिर से एक रेसिपी लेके आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो नीचे लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कुछ जरूर लिख के बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं सूखे झींगे की सब्जी। इसको झींगा मछली भी कहते हैं और बेबी प्रॉन भी कहते हैं। इसमें बड़े प्रॉन भी आते हैं लेकिन ये बेबी प्रॉन हैं और ये बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने में और फटाफट से बनके तैयार भी होते हैं, लेकिन ये सूखे होते हैं, इनको सुखाया जाता है। तो चलिए इनको बनाते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़े से झींगा मछली ली हुई है और इसको सबसे पहले हम यहाँ पर साफ़ करते हैं। इसको ऐसे नहीं बनाते हैं, नहीं तो आप खाएँगे तो ये मुँह में चुभेगा। तो इस तरीके से यहाँ से आगे का इसका यहाँ पे चोंच जो है वो तोड़ लेंगे, पीछे से भी तोड़ लेंगे। ये देखिए पीछे भी इसका ये नोकीला जो पार्ट निकला है वो भी निकाल लेंगे। कुछ के पैर भी होते हैं वो भी निकाल लेंगे। ये जो झींगा मछली होती है ये सिर्फ मिट्टी खाती है और बहुत ही टेस्टी होती है। जो और मछली होती है वो तो कुछ और भी खाती है, लेकिन ये जो झींगा मछली होती है ये सिर्फ मिट्टी खाती है। तो यहाँ से हम इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे और साफ़ करने के बाद इसको हमें धोना है कई बार पानी से। तो यहाँ देखिए मैंने इसको साफ़ कर लिया है, इसकी क्वांटिटी कितनी कम हो गई है, साफ़ करने पे इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। तो यहाँ मैंने इसको चार पांच पानी से अच्छे से धोया है और यहाँ एक पतीले में मैंने पानी बिठा लिया है बॉईल करने के लिए और उसमें थोड़ा सा पानी गर्म भी हो गया है। तो अब मैं इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे बॉईल करूँगी। तो यहाँ देखिए मैं इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे बॉईल करूँगी ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए। एक बार इसको चला लेते हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे मैं इसको 10 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल करूँगी। तो ढक के इसको मीडियम फ्लेम पे मैं बॉईल कर लेती हूँ। 10 मिनट हो चुका है और ये जो झींगा है, झींगा मछली, वो बॉईल हो चुकी है अच्छे तरीके से। तो अब मैं इसको ड्रेन कर लेती हूँ और अच्छे से फिर एक बार इसको चार पाँच पानी से धो लूँगी, क्योंकि ये मट्टी में होते हैं तो मट्टी जो है इसमें बहुत आ जाती है, खाएँगे तो फिर आपको किरकिरा किरकिरा लगेगा। तो इसको धोना जो है वो सबसे ज़रूरी है कई बार पानी से। तो यहाँ पर मैंने इसको देखिए कई बार पानी से धो लिया है और जो इसका पानी है वो एक्सेस निकाल देंगे। अब मैं कढ़ाई में यहाँ पे ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल ले रही हूँ और तेल को हम करेंगे यहाँ पे अच्छे से गरम। तो यहाँ मैं इसको अच्छे से गरम कर ले रही हूँ। तेल में आप देख सकते हैं धुआं आ रहा है, तेल अच्छे से गरम है। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 तेज़पत्ता, 2 खड़ी लाल मिर्च और थोड़ा सा इसको भुनने देंगे। इसी के साथ यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले रही हूँ। इसमें प्याज ज़्यादा लगता है, जिनको मैंने स्लाइसेस में काटा हुआ है, प्याज से ही इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो प्याज इसमें ज़्यादा लगता है। तो 3 मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पे प्याज लिए हुए हैं। तो प्याज को हम यहाँ पे थोड़ा सा भून लेंगे, थोड़ा सा इसको ट्रांसलेंट होने देंगे, इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने देंगे। तो आप देख सकते हैं इसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब मैं यहाँ ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच ले रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। तो वो भी मैं यहाँ पर भून लूँगी, थोड़ा सा इसका कच्चापन भी निकल जाए। तो यहाँ मैं अच्छे तरीके से इसको भून ले रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं इसको भून लेती हूँ। अब इसी के साथ जो अब हमने झींगा मछली को ड्रेन करके रखा था वो मैं सारा इसमें डाल दूंगी और इसको भी कर लेंगे यहाँ पे अच्छे से मिक्स। तो यहाँ पे मैं इसको भी कर ले रही हूँ अच्छे से मिक्स। तो देख सकते हैं इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। अब इसमें करेंगे कुछ मसाले ऐड। तो इसमें मैं कर रही हूँ 1/2 चम्मच कर रही हूँ हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कर रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, मिर्ची आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1/2 चम्मच कर रही हूँ यहाँ पे मैं गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच कर रही हूँ धनिया पाउडर और नमक करेंगे स्वाद के अनुसार। तो यहाँ मैंने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर ले रही हूँ, सारे मसाले आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाने चाहिए। तो यहाँ देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको ढक के लो फ्लेम पे 6 से 7 मिनट भूनूंगी बीच बीच में चलाते हुए। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको भून लिया है, 6 से 7 मिनट इसको अच्छे से भुना है, इसके मसाले भी इसमें अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी स्टार्टर के तौर पे बहुत बढ़िया लगेगा। तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल रही हूँ, थोड़ा सा इसको लटपटा बनाऊँगी। और अगर आप चाहें तो इसमें पानी और ज़्यादा डाल सकते हैं, ग्रेवी इसकी और आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं पानी डाल के। तो यहाँ मैंने इसमें थोड़ा सा ही पानी डाला है क्योंकि मुझे ये लटपटा चाहिए, बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं चाहिए। तो अब मैं इसमें ढक के इसको मैं 2 मिनट के लिए और पकाऊंगी। तो यहाँ मैं ढक के देखिए मैंने 2 मिनट के लिए इसके और पका लिया है और अब हमारा झींगा करी बन के तैयार है। गैस को बंद करेंगे और इसको सर्व कर लेंगे। तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ मैं इसको सर्व कर ले रही हूँ। ये झींगा मछली बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, रोटी के साथ आप इसको खा सकते हैं और चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो आप इसको एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें और अपने व्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपको कैसा लगा है।
तो यहाँ मैं इसको सर्व कर ले रही हूँ। ये झींगा मछली बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। तो ये देखिए, ये झींगा मछली यहाँ पे बनके तैयार है, और इसको थोड़ा सा मैं धनिया पत्ती से सजा लेती हूँ। तो यहाँ पे ये रेडी है, और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना बढ़िया आया है बनने के बाद। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर लिख के बताएं। थैंक यू।